सर, कोरोना सेकेंड टाइम वापस आया है। उत्तर प्रदेश की तरफ से स्वास्थ्य सेवाओं में किन तरीके का बदलाव किया जा रहा है, क्योंकि इस बार बोला जा रहा है कि बहुत तेजी से आंकड़े बढ़ रहे हैं। जैसा कि और प्रदेशों में महाराष्ट्र, केरल, मध्य प्रदेश या पंजाब वगैरह इन सब जन जन प्रांतों में कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर भी केसेस बढ़े हैं। और हम लोग अभी से ही इसके लिए पूरा एक्शन हम लोग ने तैयार कर लिया है। तो इसके लिए सबसे पहले तो ये कि हम लोग का जो जीत का मंत्र ये रहा है कि टाइमली टेस्टिंग करें, टेस्टिंग करने के बाद में उसको ट्रीट करें और उसकी ट्रैकिंग करें कि लोग उनको उसके कांटेक्ट में जो लोग हैं उनको हम लोग ट्रैक कर लें जल्दी से जल्दी, ताकि और इन्फेक्शन जो है वो स्प्रेड ना हो पाए। इसके अलावा हम लोग ने ये किया है कि जो जितने भी एयरपोर्ट्स हैं या रेलवे स्टेशन हैं, ख़ास तौर से ऐसे स्टेशंस जहाँ पर कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेनें आती हैं, तो वहाँ पर जो टेस्टिंग की संख्या बढ़ा रहे हैं। जो हॉस्पिटल्स, क्योंकि केसेस बहुत कम हो गए थे, हॉस्पिटल्स को भी एक्टिवेट करने के लिए पूरे हम लोगों ने निर्देश दे दिए हैं। तो जैसे कि देखा जा रहा है कि पहले जब कोरोना था तो इंडिकेशंस जो कोरोना के थे, जो मीन्स सोशल डिस्टेंसिंग से लेकर मीन्स की जो भी स्कैनिंग से लेकर सब कुछ जो भी बरता जा रहा था, मगर अब इस स्टेज में सोशल डिस्टेंसिंग का हॉस्पिटल में पालन नहीं हो रहा है। जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जैसे मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो नहीं मानते हैं तो फिर उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में जो है और स्ट्रिक्ट क्या पनिशमेंट और साथ ही साथ फाइन के भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। तो इस प्रकार से जो सरकार जो है पूरी तरह से इसके लिए तैयार है, और उसने अपने जो भी इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो नेसेसरी इंस्ट्रक्शंस पास कर दिए हैं। क्वारंटीन सेंटर अभी तक इस्टेब्लिश है और क्या फिर दोबारा इस्टेब्लिश किया जा रहा है? जो भी हम लोगों ने हर जनपद में एक चिकित्सालय के लिए कहा है, और वो चिकित्सा वो पूरे जब केसेस कम भी हो गए थे तो भी तैयार हैं, और जो हम लोगों ने कुछ बंद कराए थे क्योंकि जनरल पॉपुलेशन के लिए, उनको भी ये इस शर्त पे हम लोगों ने हटाया था कि एक अगर जब ज़रूरत पड़ती है तो एक हफ्ते के अंदर वो अपना फिर से ट्रीटमेंट देना शुरू कर देंगे। आप देखेंगे जो आज के आंकड़े या जो भी आंकड़े आप देखेंगे, तो कई ऐसे जनपद हैं जो कि हम लोग के एनसीआर से लगे हुए हैं। दिल्ली में केसेस ज़्यादा हैं, तो आप देखेंगे जैसे नोएडा में या गाज़ियाबाद के या मेरठ के लोग दिल्ली जाते हैं, और दिल्ली के लोग इन सब जगहों में काम करने के लिए आते हैं। फिर भी जो है पूरे एहतियात इसमें बरती जा रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट कराने के लिए वो किया जा रहा है। और दूसरा ये कहा गया है कि अब आरटीपीसीआर ज़्यादा से ज़्यादा कराया जाए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट है।